will be getting. Am I audible to all of you? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. So these are the topics which we get in the logical reasoning sections. क्लॉक्स कैलेंडर में लास्ट में रखा हूँ बिकॉज इट ऑप्शनल, कभी आता है नहीं आता है, टाइम मिलेगा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो ये सारे टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, बट इसमें से ये जो रेड कलर मार्क है सिटिंग अरेंजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम अभी जो पढ़ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू टू प्रैक्टिस टू सॉल्व क्वेश्चन, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? प्रैक्टिस नहीं करने से नहीं होगा, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ। नंबर सीरीज क्वेश्चन आप थोड़ा कॉन्सेप्ट जानने से हो जाएगा, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये 5-6-10 दिन में आप कर सकते हैं, बट इसको 5-6-10 दिन में नहीं कर सकते हैं, ये एप्टीट्यूड भी नहीं कर सकते हैं, यू नीड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। इसका लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन आपको, सपोज कंपनी 3.5 लाख to 5 लाख पैकेज में आता है, तो आपको लेवल 1 से लेवल 3 तक क्वेश्चन आएगा, राइट? पजल्स मतलब लेवल 4-5 क्वेश्चंस, जो कि आपको मैंने बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में, गोल्डमैन सच या कोई वीएमवेयर, अमेज़न, जो कि ड्रीम कंपनीज है जिसका पैकेज 15 लाख 20 लाख रहता है, उसमें पजल्स क्वेश्चन आता है, यू नीड टू प्रैक्टिस, राइट? सिटिंग अरेंजमेंट टाइप्स में बता रहा हूँ, पहले लीनियर अरेंजमेंट, द फर्स्ट वन इज लीनियर अरेंजमेंट, सम पर्संस विल बी स्टैंडिंग इन ए रो, सिटिंग इन ए रो, या सम बिल्डिंग्स आर देयर इन ए रो, ABCD या बिल्डिंग्स आर इन ए रो, दैट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर का टाइप में पढ़ाऊंगा, इट कुड बी सर्कुलर अरेंजमेंट, सम पर्संस आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, कौन कहां पर बैठता है मैं बताऊंगा आपको सब। देन अरेंजमेंट इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है, दीज आर लेवल 1, 2, 3 क्वेश्चंस। अगर अरेंजमेंट के साथ आगे आपका दे बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज, देर लाइक डिफरेंट कलर्स, दे हैव डिफरेंट हॉबीज, इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे पजल्स या कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। यू नीड टू अरेंज कौन किस सिटी से है, कौन किसका बुक, कौन सा बुक लाइकिंग है, ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी कमिंग अंडर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, और जिसको हम पजल्स बोलेंगे। ये आपको वो क्वेश्चन जो बताया था आपको मैंने, गोल्डमैन सच, तो आप एग्जाम दे चुके ना गोल्डमैन सच का कोई, ना नहीं? कंप्यूटर साइंस के लिए था वो शायद, ऑल था ना, वो था ऑफलाइन था शायद, इट वॉज ओपन फॉर ऑल, only kid student for all sir, it was off campus, yeah, off campus sir, off campus tha, to isme aap dekhe honge is tarah ke questions, puzzles question bahut aaya hoga usme, yes sir, so arrangement with blurred relations bhi difficult ho jayega questions aapko solve karte hue, to isko solve karne ke liye aapko practice chahiye, at least 2 to 3 questions per week, 2 to 3 puzzles per week solve karne se aapka प्रैक्टिस होता है, वो एग्जाम में कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा, मैं पढ़ाने से नहीं होगा, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, कुछ बेसिक्स बता पाऊंगा, बट सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट, लीनियर अरेंजमेंट, राइट? लीनियर अरेंजमेंट का टाइप क्या है, देखो इजी क्वेश्चन होता है, दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, टाइप 1 क्वेश्चन, सम पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर साउथ, तो ये टाइप 2 लेवल 2 हो गया। There will be parallel line questions. Some persons will be facing north, some persons will be facing south parallelly. मैं यहाँ पर 8 person बनाया हूँ, उसमें 12 आदमी 16 आदमी रहता है, वो थोड़ा difficult हो जाएगा, level 3 questions हो जाएगा, right? Type 3 और level 3 आप बोल सकते हैं। There are different types of questions. आप जितना भी questions practice करेंगे, if you search in Google, we'll be getting lot of questions, right? मारेंगे sitting arrangement for competitive exams like bank, PO. वो SSC गूगल करेंगे तो वो क्वेश्चन आएगा। सिमिलरली सर्कुलर अरेंजमेंट में फेसिंग इनसाइड, सम पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड, और लेवल 1 इजी क्वेश्चन होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड लेवल 2 हो गया, राइट? सम पर्सन आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड, उसके साथ अगर ब्लड रिलेशंस दे दिया, राइट, वो लेवल 3-4 में चला गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो हर तरह का क्वेश्चन मैं सॉल्व करना है के लिए कोशिश करूंगा। उसके अलावा ये टेबल अरेंजमेंट है, जैसे बताया था आपको, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, जो कि बताया था मैंने आपको कि डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट हॉबीज, डिफरेंट कलर्स, लाइकिंग, ये सब क्वेश्चन आता है, जो कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। हर तरह का क्वेश्चन एक एक प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद लीनियर अरेंजमेंट, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, दीज आर वेरी बेसिक पॉइंट्स, आप लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते मैं आपको बताऊंगा, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस।
first point is, arrange the objects facing north if nothing is mentioned in the question. North facing कीजिए. All of you must be knowing north होता है ये वाला directions के समय ये north हो गया ये south हो गया. This is east and this is west. North facing करना सब objects को north facing करना. Objects मतलब objects क्यों लिखा हूँ? Because this can be persons, this can be buildings, this can be trees. ठीक है. नॉर्थ फेसिंग करने से आपका जो लेफ्ट साइड है वो ऑब्जेक्ट का भी लेफ्ट साइड होगा. आपका राइट साइड है अगर वो एक आदमी यहाँ बैठता है उसका लेफ्ट साइड ये होगा. आपका भी लेफ्ट वही है इसका राइट वही होगा. इसलिए नॉर्थ फेसिंग करना है. इफ इट इज मेंशन दैट एग्जांपल बता रहा हूं मैं. सेवन स्टूडेंट आर सिटिंग नियर फेसिंग टू देयर टीचर. सो प्लेस द टीचर इन द नॉर्थ डायरेक्शन. टीचर को नॉर्थ में बैठाओ. So that आपका लेफ्ट ऑब्जेक्ट का भी लेफ्ट रहेगा. Are you understanding guys? Please just put me in the mic. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. अगर नॉर्थ में नहीं लिखा है ईस्ट में लिखा है. सेवन स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट. तो आप वो नॉर्थ को ही ईस्ट ले लो. नॉर्थ को ईस्ट ले लो. अभी नॉर्थ ईस्ट होता नहीं है. उसके बाद आप क्या करेंगे 90 डिग्री टर्न कर देंगे तो ये ईस्ट फेसिंग हो जाएगा. क्यों लेना है ऐसे? बिकॉज ईस्ट फेसिंग करने से आपका लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा टाइम लगता है. सपोज ये ईस्ट फेसिंग करने में एक डेढ़ मिनट लगता है क्वेश्चन. ये नॉर्थ फेसिंग करने से आप जल्दी सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद आप टर्न कर देंगे ईस्ट फेसिंग कर देंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रेस्पॉन्ड इन द माइक. क्या बोलने जा रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है आपको? यस सर. पॉइंट नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज and placement of objects is very important. For example, it is written you must distinguish between the words like left and immediate left. Students, left matlab immediate left le dete hain jo ki galat hai. For example, A is sitting to the immediate left of B. B ka position mere ko pata nahi hai. Suppose B yahan par baithta hai, uska left immediate left A hai aur B yahan baithta hai to uska immediate left mein hoga. But look at the second sentence. It is given A is sitting to the left of B. लैपटॉप भी मतलब कहीं भी हो सकता है. इमीडिएट लेफ्ट हो सकता है, दो छोड़ के भी हो सकता है लैपटॉप भी. सो दीज पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर टू सॉल्व क्वेश्चंस, नहीं तो गलत हो जाएगा. सपोज इट इज गिवन, दिस वन ऑफ द एग्जांपल आई एम गिविंग यू. सपोज आई एम गिविंग ए एंड बी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर. डजंट मीन दैट ए बी के लेफ्ट में रहेगा. ऐसे भी हो सकता है एडजेसेंट हो, नेक्स्ट टू ईच अदर हो. राइट, नेक्स्ट टू ईच अदर डजंट मीन दैट ए बी ऐसे ही रहेगा. ए बी हो सकता है. Suppose it is written C is between B and D. C B and D के अंदर बैठा है. ऐसे हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है. So these are the things you should keep in mind to solve questions. Left, immediate left, between का मतलब ये नहीं कि पहले जो नाम लिखा है B and D, B पहले रहेगा, ऐसा नहीं है. D भी रह सकता है. Point number three, which is very important, same English language का concept है, but इसमें बहुत क्वेश्चन इसमें आता है, बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं. दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है एंड हु, राइट, उसका यूसेज के हिसाब से सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट टू द राइट ऑफ सी. सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट टू द राइट ऑफ सी. यहां पर सब्जेक्ट इज एंड अगर लगाया गया है, this is one sentence and immediate to the right of C. Who is the subject over here? Tell me, who is sitting immediate to the right of C? A. All of you please send me the arrangement. Is it says main aapko 10 second de raha hu. Send me the arrangement. Is hisab se arrangement kya hona chahiye? Kahin bhi hoga aap likh lijiye. Matlab aise likhna hai aapko A C B या ए डैश सी बी, ऐसे ऐसे ही लिखते हैं आपको. सेंड इट टू मी, देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं. इस हिसाब से एज पर दिस एग्जाम्पल अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए. बहुत लोग आंसर लिखते हैं, बहुत लोग का आंसर गलत हो रहा है. दिस इज द प्रॉब्लम गाइस. यू मस्ट लैंग्वेज अगर आप समझेंगे नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. आई रिसीव्ड अराउंड 30 आंसर्स सो फार एंड ऑल ऑफ यू आर गिविंग डिफरेंट आंसर्स. सम स्टूडेंट्स आर गिविंग करेक्ट आंसर्स.
50% students are giving good answers, 50% students are giving wrong answers. Let me explain it to you. A sits to the left of B. A, B ke left mein baithta hai. A sits second to the left of B. I'm sorry. Second to the left of B. Suppose B yahan baitha. B ka position mein ko pata nahi hai. B kahin bhi baith sakta hai. And A sits and immediate to the right of C. Kaun C ke right mein baithta hai bataiye. सब्जेक्ट को किसको अरे बता रहा है बताइए. तो ए का जो पोजीशन होगा वो सी का इमीडिएट राइट में होगा. तो सी ए डैश बी आपको लिखना चाहिए था मेरे को. सी ए उसके बाद एक आदमी डैश बी. सी ए डैश बी बहुत लोग लिखे हैं. अदिति देखो प्रेरणा का गलत हो गया राइट. ज्ञानित गलत हो गया. अस्मा भट्ट आप अस्मा कब का समझ में आ रहा है कहां पर गलत किया आप. यस सर. सी ए डैश बी देखो कितने लोग गलत किए हैं. तो यहीं पर आपका चूक हो जा रहा है. स्टूडेंट बोलते हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट होता नहीं है. सिटिंग 9 स्टूडेंट्स प्लीज राइट वाई. कितने लोग समझ में आ रहा है व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. थैंक यू. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग वाई. थैंक यू वेरी मच. वो मैं एंड वर्ड को मैं चेंज करके हु लिख देता हूं तो क्या होगा भाई. तो खत्म हो गया. सेम सेंटेंस में लिखा हूं यहां पर. ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. हु सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ सी. कैन यू राइट टू मी व्हाट शुड बी द आंसर. व्हाट शुड बी द अरेंजमेंट. राइट टू मी सेंड टू मी. Ten seconds more, I can give you. A sits second to the left of B. Who sits immediate to the right of C? This is where student face problem. Simple concept. Thank you guys. Almost all of you are giving correct answers except few. B को मैं यहाँ बैठा है second to the left of है. Who जहाँ पर लगता है उसका subject कौन है कोई बता सकता है. वो subject किसके बारे में बता रहा है. B sits immediate to the right of C. B जो है C के right में. तो A C B arrangement will be A C B. इसी हिसाब से होगा A C B. जो लोग A C B लिखे हैं वो सही है. जो लोग ए बी डिया से पीयूष कुमार गलत हो गया राइट. बहुत लोग गलत लिख रहे हैं. ए सी बी इज अरेंजमेंट. देखो सचिन कुमार गलत हो गया. प्रिया गलत हो गया. कितने लोग गलत लिख रहे हैं. पोलोमी गलत हो गया. रौनित गलत हो गया. ए सी बी इमीडिएट रहना चाहिए. अरित्रा आप ए डैश भी लिखे हैं. सी ए डैश भी लिखा है. दिया तीसरा लिखा है. सी डैश सी ए डैश बी. ए डैश बी सी लिखा है. अर्नव डैश यहीं पर आपका चूक हो जाता है. सेंटेंस को समझ में नहीं आता आपको तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो पजल्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इसके बाद और भी है. और क्या है ना और आपका है. मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूं. यू शुड अंडरस्टैंड द नेगेटिव स्टेटमेंट एंड यू नीड टू कन्वर्ट टू इट पॉजिटिव स्टेटमेंट. मैं बता दे रहा हूं आपको नंबर फोर इसमें लिखा नहीं हुआ. पॉइंट नंबर फोर convert the negative statement to positive statement. convert the negative statement to positive and place the objects accordingly. What does it mean? It means suppose I'm giving no one sits to the right of A.
to the right of A or right of B, whatever. So can you tell me, no one sits to the right of A, matlab A kahan rahega? No one sits to the right of A. मतलब ए कहाँ रहेगा बता सकते हैं? Right, right, extreme right, most में रहेगा, right, extremely right में रहेगा. You must understand this concept. उसके right में कोई नहीं है, मतलब extreme right है. Similarly, no one sits to the left of A. तो कहाँ पर रहेगा बताइए? Extreme left. Extreme left में रहेगा, right? ये सब concept आपको समझना चाहिए. Negative statement है, उसमें positive को convert करना है. तब जाकर आप solve कर पाएंगे क्वेश्चन. Is that clear to all of you? So, इस तरह concept solve करने के लिए, right? आपको logic का जरूरत है. Negative, no one sits to the right of A, right? Cancel नहीं हो रहा है, बाद में कर लूँगा मैं. So, let's solve question. So, guys, be ready. I'll give a question now. Now, you need to solve that. राइट, पेन पेपर के साथ रेडी है आप? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ये हो गया है. दिस वेरी इजी क्वेश्चन. सेंड मी द आंसर. टाइम इज ओनली 1 मिनट. अरेंजमेंट किस तरह से होगा लिखिएगा मेरे. 1 मिनट टाइम. सेंड द आंसर टू मी. अरेंजमेंट किस तरह होगा? यू नीड टू राइट इट टू मी, नॉट टू एवरीवन. ने 2 मिनट हो गया. 15 जन आंसर दिए. आर यू सॉल्विंग अ सुरेश? सॉल्व इट फॉर यू. रेस्पॉन्ड विद द माइक. यस सर, सॉल्विंग. सो सॉल्विंग डन. 2 मिनट्स मोर. या 20 स्टूडेंट हैव सॉल्वड इट. जो लोग सॉल्व किए प्लीज सेंड मी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन. सेंड मी द आंसर, नॉट टू एवरीवन. थैंक यू. तो क्या सॉल्व करते हैं? जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए, देखिए, देयर आर 7 पर्सन. 7 पोजीशन बताए, बनाया मैंने. एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी. एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी. तो एफ ही रहेगा. कहाँ रहेगा मुझे पता नहीं. रॉक में लिखा उसको.
इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ई जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ जी के फोर्थ राइट में है. सो जब आप ये लिख दिए तो काउंट करें कितने पोजिशन है, एक दो तीन चार पांच छह आदमी है, टोटल सात आदमी है. तो एक आदमी बच गया, आइदर जी के लेफ्ट में रहेगा या एफ के राइट में रहेगा, कोई एक पोजिशन बचा, ये यहां पर रहेगा या यहां पर रहेगा, ये दिमाग में आपको रखना है. फिर लिखा गया है ये फोर्थ राइट मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, सी इज द नंबर ऑफ बी एंड डी, मतलब ये सी बी डी जो है वो यहीं पर रहेगा. कैसे हो सकता है ना, आइदर इट कुड बी बी सी डी जैसे बता रहा था आपको, और इट कुड बी डी सी बी राइट. देन लिखा है पर्सन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड. अगर मैं ये पोजीशन को यहाँ रखता हूँ डीसीबी को यहाँ रखता हूँ, तो उसका ये लेफ्ट है और सेकंड लेफ्ट में और एक आदमी रह सकता है, थर्ड लेफ्ट कोई नहीं है, जी के बाएं तरफ एक ही आदमी बैठ सकता है मैक्सिमम. तो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया, डीसीबी नहीं होगा. डीसीबी नहीं होगा तो क्या होगा, बीसीडी होगा राइट. उसको बीसीडी अंदर बैठा दो आप राइट, ये नहीं होगा, बीसीडी बैठा दो. बीसीडी बैठाएंगे, डी का जो थर्ड लेफ्ट में वो वन ऑफ द एंड हो गया, तो जो आदमी बचेगा वो यहाँ रहेगा जो कि ए है. सो करंट अरेंजमेंट इज जी बी सी डी ई एफ ए, दिस इज अरेंजमेंट. एंड जो लोग आंसर दिए, 70 लोग आंसर दिए आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स, वो ए ही आंसर दिए एक्सेप्ट फ्यू. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज गिव मी अ बिग यस इन द माइक. लेवल वन क्वेश्चन आता नहीं, इस तरह क्वेश्चन कभी आएगा नहीं एग्जाम में, बट स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने के लिए. चलो इसके हिसाब से आंसर करेंगे हम. हुआ टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन है ना, जी एंड बी, ऑप्शन इज सी. हुआ टू द नेबर्स ऑफ बी, नेबर्स ऑफ बी हो जाएगा आपका सी एंड जी. आंसर वन सॉल्व करने के बाद ये इजीली आंसर आप मार्क कर सकते हैं. नाउ आई विल मूव टू द क्वेश्चन जो कि आपको डे वन प्लेसमेंट में पूछा जाता है. बी प्रिपेयर टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगर आप एक्सेंचर में जाना चाहते हैं या कॉन्ग्रीजेंट में जाना चाहते हैं, आईबीएम को राइट, उस तरह क्वेश्चंस, टीसीएस हो, उस तरह क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेवल टू का क्वेश्चन राइट. आर यू रेडी गाइस, प्लीज रेस्पॉन्ड. यस यस सर. या टाइम इज 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सेंड आंसर टू मी, अरेंजमेंट मेरे को भेजो आप. 3 मिनट टाइम दिया मैंने. अरेंजमेंट में मतलब इस इनिशियल्स में लिख के दे सकते हैं आंसर, पूरा लिखना है.